नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टेट पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन भी हमने इसके साथ ही दिया है। तो इसका राइट आंसर है इट सेड दैट इन एन एटॉमिक नंबर टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलाइक। ये बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर या एटम के अंदर प्रेजेंट हैं उसके जो फोर क्वांटम नंबर है उनका सेम वैल्यू नहीं होगी। हमारे पास फोर क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। उन सभी की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। अगर आपको क्वांटम नंबर के बारे में और अधिक नॉलेज चाहिए तो उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिव द इक्वेशन विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ लैम्डा एंड द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। हमें वो रिलेशनशिप बताना है जो कि बनाया गया है वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के बीच में। देन द राइट आंसर इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर लैम्डा इज द लैम्डा जो है वो है हमारे पास वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एम इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिव द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कि मोलर कंडक्टिविटी के क्या यूनिट होंगे हमारे पास। तो मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ इज फेरोमैग्नेटिज्म डिफरेंट फॉर पैरा मैग्नेटिज्म, कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो डिफरेंट कैसे है मैग्नेटिक सब्सटेंस से। तो उसका राइट आंसर है व्हेन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स डाइपोल गेट अलाइंड सिमेट्रिकली इन द सेम डायरेक्शन। जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जब उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनके जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे एक सीधी डायरेक्शन में या सिमेट्रिकल डायरेक्शन में। This remain as long as the substance in the magnetic field, और ये तभी तक रहेंगे जब magnetic field उनके ऊपर apply है। और दूसरी side जो हमारे पास ferromagnetic substance हैं aligned remain paramagnetically when ferromagnetic substance placed in magnetic field, मगर जो ferromagnetic substance है उन्हें हम अगर magnetic field में भी रखेंगे तो भी वो magnetic behavior show नहीं करेंगे। तो इनका राइट आंसर यही हुआ हमारे पास कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उनमें कोई चेंज नहीं आता, बट जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनके जो डाइपोल्स हैं वो एक सीधी डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर कंसीडर टू बी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर। तो इट कंसीडर एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। हमारे पास चार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेंशन द चीफ यूज ऑफ कोऑर्डिनेटरी अमोनियम साल्ट डेरिवेटिव फ्रॉम द लॉन्ग चेन टर्शरी अमीन। जो हमारे पास अमोनियम साल्ट है लॉन्ग चेन में टर्शरी अमीन में उसके क्या क्या यूज हैं, तो हम उसे यूज करते हैं डिटर्जेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेंशन टू यूज ऑफ ग्रिसलोल। जो हमारे पास ग्रिसलोल है उसके दो यूज बताने हैं। तो फर्स्ट यूज है उसका एज ए स्वीटिंग एजेंट इन कॉफ्टेरी कॉफ्टनेरी, उसे यूज किया जाता है सॉफ्टनेरी एजेंट के रूप में
टू प्रिपेयर ग्रिसलो ट्राई नाइट्रो पावरफुल एक्सप्लोजिव, जो विस्फोटक हैं उसको बनाने के लिए भी ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई हैव द ट्रांजिशन एलिमेंट हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी एंथैल्पी हाई क्यों है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बिकॉज देयर कटाइन आर स्मॉल साइज एंड कंटेन लार्ज सरफेस विद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी एंथैल्पी हाई इसलिए है क्योंकि उनके जो कटाइन का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे बाय द न्यूक्लियस, जिससे कि उनके कोई भी चीज़ रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो दे आर सराउंडिंग बाई लार्ज नंबर ऑफ पोलर वाटर मॉलिक्यूल देन या वेन एड टू वाटर, और जब हम उनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ईजली जो भी बाहर इलेक्ट्रॉन्स या कुछ भी उसके ऊपर अटैक करेगा उन्हें ईजली अपने साथ बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी मॉलिक्यूल एट ATP आर प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोसिन, एंड द राइट आंसर इज 36 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द एग्जाम्पल ऑफ वेट डाई, एंड द एग्जाम्पल ऑफ वेट डाई इज इंडिगो ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच सो दैट Ne2 कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए स्टेबल स्पीसीज, हमें ये बताना है कि जो Ne2 है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कि वो स्टेबल क्यों नहीं है। तो हमें पता है कि उसका एटॉमिक नंबर है 18 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। सो जब हम इसका एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसकी हमारे पास आई σ1s2, σ1*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2px2 एंड नीचे π2py, π2py2 एंड π2pz, π2pz2, इनके ऊपर स्टार भी होगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। एंड लास्ट में हमारे पास आ गई σ2px। तो जब हम इनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं एंड एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, सो दे कैन नॉट बी एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 NB, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो उनका राइट आंसर 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं। एन एलिमेंट एटॉमिक मास इज इक्वल टू 60 हैविंग फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हैव अ डेंसिटी ऑफ 6.23 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, व्हाट इज द एच लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है 6.02 × 10⁻²³ मोल इनवर्स। सो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम का इज इक्वल टू फॉर्मूला मास इंटू 2/densityN। सो जब हम इनमें वैल्यूज भरेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला मास गिवन है 60 और इंटू 4/density हमें गिवन है 6.23 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 400 ppm। तो हमारे पास एच ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 400 ppm आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिएक्शन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 6 मिनट इनवर्स इफ वी स्टार्ट विद ए इक्वल टू 5.0 ऑफ लीटर इनवर्स, व्हेन वुड ए रीच द वैल्यू ऑफ 0.5 मोल लीटर इनवर्स। तो हमें इसका
जो निकालना है कि जब वो ए के ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू 0.05 हो गई, तो हमें इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है कि कितना टाइम लगा इस रिएक्शन को होने में। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन। तो के की वैल्यू है हमारे पास 61 मिनट एंड एन नॉट की वैल्यू है 5.0 मोल लीटर इनवर्स एंड एन की वैल्यू है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। सो जब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6 लॉग 5.0 अपॉन 0.05 मिनट्स। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लॉग की वैल्यू डाल के पूरा राइट आंसर आ जाएगा 0.767 मिनट्स के अंदर ये रिएक्शन इतनी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, कि जो हमारे पास रेट लॉ है उसे एक्सप्रेस किया हमने, रेट इज इक्वल टू एक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ रेज टू पावर 2। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच रिस्पेक्ट टू सी एल टू एंड विद रिस्पेक्ट टू एन ओ द ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल जो ऑर्डर है हम वो रेट ऑफ रिएक्शन से ही हम निकाल सकते हैं। तो जितनी उनकी पावर होगी हमें उन पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्स इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो है वो उसकी पावर 1 है, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन आ गया 1। एंड जो एन ओ टू एन ओ है हमारे पास उसकी पावर 2 है, तो उसका रेट आ गया 2। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट 298 केल्विन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 3.02 ग्राम ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड सॉल्यूट एग्जिबिट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.55 एटमोस्फियर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आर की वैल्यू हमें गिवन है, तो मास ऑफ द सॉल्यूट हमें दिया गया है 3.002 ग्राम एंड वी हमारे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 अपॉन एल 1 लीटर इन 1000 सेंटीमीटर स्क्वेयर इक्वल टू 0.1 लीटर। पाई इज इक्वल टू 2.25 एटीएम। तो हमने इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर हमें गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर, तो हम इसमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन वी। और जब हमने उनमें वैल्यूज फिल की तो हमारे पास लास्ट में इसकी पूरी वैल्यू आ गई 287.7 ग्राम पर मोल। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इन वीडियो से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है उन्हें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से जाकर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको इन टॉपिक्स के ज़्यादा डिटेल के बारे में पता ना लगा हो। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।